वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी श्रीवास्तव। और हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ बहुत ही, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बहुत इजी वे में मैं बता दूंगी कि आप अपने बच्चों को ए एन दा का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगी और इसके बाद कोई भी वर्कशीट्स ए एन दा से रिलेटेड होगी आपका बच्चा चुटकियों में उसे कम्प्लीट कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको बच्चों को यूज ऑफ ए एन कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप अल्फाबेट्स राइट करिए ए से लेके जेड तक। देन आफ्टर बच्चे को आपको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बताने हैं कि वॉवल्स कितने होते हैं। फाइव वॉवल्स होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। कितने वॉवल्स होते हैं, फाइव वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। बच्चे को इसको लर्न करा देना है बेटा कि ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं। देन आफ्टर आपके बाद इन वॉवल्स के बाद अल्फाबेट्स में से फाइव वॉवल्स निकल जाता है और जितना भी अल्फाबेट्स बचता है वो आपका कॉन्सोनेंट्स होता है। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, फाइव, एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, 21। सो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने के बाद आप ये वर्कशीट दीजिए और देखिए आपका बच्चा कैसे इसे कर लेता है। तो बच्चे को रिकॉग्नाइज कैसे, एम एम है, यहां पर एम है तो ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या यूज करेगा बच्चा, ए यूज करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट ले लीजिए एप्पल, एप्पल, एप्पल का ए जो है वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, तो क्या यूज होगा, ए एन। वॉवल्स के साथ एन का एंड कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का यूज होता है, वॉवल्स के साथ एन का और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज होता है। नेक्स्ट पिक्चर ले लीजिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दा, दा, दा का यूज जब होता है जब कोई चीज एक हो, संसार में एक हो, दुनिया में एक हो, तब हम उसे दा का यूज करते हैं। और कोई फेमस, फेमस के लिए भी दा का यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ताजमहल, क्या ताजमहल बहुत सारे हैं, ताजमहल तो एक ही है आगरा में, तो क्या यूज होगा यहां पर, दा का यूज होगा क्योंकि दुनिया में एक है। ऑलवेज रिमेम्बर, जब कोई चीज एक होगी तो वहां पर दा का यूज होगा और ताजमहल सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट ले लीजिए ऑरेंज, अब ऑरेंज का ओ देखिए, ओ वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, तो व्हाट विल यू यूज हियर, एन। इसी तरह से नेक्स्ट ले लीजिए के, के बताइए, आप बताइए के वॉवल है या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, तो क्या यूज होगा, ए। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर लॉयन ले लीजिए, तो क्या यूज होगा, ए। नेक्स्ट आते हैं हम इंडिया गेट, सो आप इंडिया गेट जो है दुनिया में एक ही है, कई इंडिया गेट तो नहीं ना है, सो क्या यूज होगा वहां पर, दा का यूज होगा इन दिस टाइम। इसी तरह से चार मीनार ले लीजिए, चार मीनार भी दुनिया में एक ही है तो यहां पर भी दा का यूज होगा। इसी तरह से टेबल है, ऑनियन है, अर्थ है, सन है, ये सब आप अपने बच्चों से पूछकर और ये वर्कशीट्स बनाकर के बच्चे को ए एन दा क्लियर करा सकते हैं। ये मैं फोर है, मैं आपको ये क्लियर करा देती हूं। टेबल, टी कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, तो व्हाट विल यू यूज हियर, ए। इसी तरह से ओ वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, सो व्हाट विल यू यूज हियर, एन। इसी तरह नेक्स्ट अर्थ, पृथ्वी एक ही है ना, यस, सो इसीलिए दा का यूज। सन भी एक ही है दुनिया में तो इसीलिए दा का यूज। तो ये इस तरह से आप अपने बच्चे को यूज ऑफ ए एंड दा क्लियर कर सकती हैं, उन्हें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।